जागो जीवन के प्रमाण, ये कविता प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद की है। और ये कविता भी करीब करीब उसी समय लिखी गई जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, और उस समय दो आंदोलन चल रहे थे, एक से जो हम जन जागरण काल करते हैं, यानी जो हमारे समाज में हमारे देश में बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए कुछ लोग लगे हुए थे, और एक आंदोलन देश को स्वतंत्र कराने के लिए चल रहा था, दो आंदोलन चल रहे थे उसी समय ये कविता कवि द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम इस कविता का सौस्तव वाचन करेंगे, इसके बाद इसका भाव स्पष्ट करेंगे, और सबसे बाद में कठिन शब्दों का अर्थ और उनके समानार्थी शब्द हम बताएंगे। तो सबसे पहले सौस्तव वाचन। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, चंदन को हम ठंडक का प्रतीक भी मानते हैं और चंदन में खुशबू भी होती है, उससे भूख
हवा आएगी वो शीतल सुगंधित होगी ही होगी। तो हाँ अक्सर हमारे भारत के हिंदी कथाओं में हमारे भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, ये इसी अर्थ में होता है, यानी एक उम्मीद के रूप में, एक उत्साह के रूप में मलय भारत का प्रयोग हम करते हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, तो हे युवाओं अब तुम जाग जाओ, अब सोने का समय खत्म हो गया है। रजनी की लाज समेत हो, जो रात तक तुम्हारा आलस्य है, लाज को भी हम आलस्य के रूप में भी देख सकते हैं, रात की जो आलस्य है उसे तुम अब समेटो, अब सोने का समय तुम्हारा नहीं रह गया है। कल रव से उठकर भेटो तो, जो चिड़ियों की चहचहाट सुबह होती है, यहाँ इसको हम प्रतीक के रूप में ले सकते हैं कि जो भारत में जागरण की चर्चा चल रही है उसमें तुम भी शामिल हो जाओ। अरुणाचल में चल रही बात, अरुणाचल यानी जो सूर्य का देश है, इसे हम भारत देश भी कहते हैं, जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, उस देश में क्या हो रही है, बात चल रही है। क्या बात चल रही है, वही जागरण की बात चल रही है कि अपने देश की बुराइयों को हम कैसे खत्म करें, अपनी गुलामी की भेड़ियों को हम कैसे तोड़े, तो तुम भी उस बातचीत में शामिल हो जाओ। अब जागो जीवन के प्रभात, हे युवाओं तुम अब जाग जाओ,